आई थिंक कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज. आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ दे टैकल इट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अच्छा लर्निंग है उनसे. लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड. इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स. मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू. तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है. आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल. वो दादा बन चुके हैं तो आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहिए उनको. तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है. आपको देखना चाहिए बापता जो है वो उभर कर आ रही है. सो ही इज़ अ नेचुरल. ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं. और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के वो बमन जी हैं. हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं. मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ. बमन जी अक्सर आपने फिल्में भी की है साथ में, मुन्ना भाई जॉली ने भी हिट फिल्म है और अब साथ में टीवी शो में फर्स्ट टाइम. एक्चुअली असलियत यह है कि मैं थिएटर करने, मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 इयर्स ओल्ड एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले. और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी. और अरशद वारसी, मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए और मैं पीछे कैमराज के पीछे ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमराज वैमराज. ये अरशद वारसी आए, ही वॉज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर तेरे मेरे सपने के पहले. और ही वॉज टॉकिंग यू नो वेरी कूल एंड ही वॉज सिटिंग एंड शॉर्ट्स पहने थे यू नो एंड आई रियली थिंक यू नो एंड मेरा जिक्र किया. आई सेड यू नो एक एक्टर है बमन ईरानी, यू शुड वॉच आउट. मेरी बात कर रहा है, क्या बात है. आई वॉज सो टच दैट ही रिमेंबर्ड मी. मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में. सिंस देन देन वी बिकेम फ्रेंड्स. एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ, उसने मुझे एक कार दिया था, वो त्रिशूल, वो त्रिशूल फेंका था, वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था. त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ और टॉइंग करके यहाँ पे लगा, खून की नदियाँ शुरू हो गई. वहाँ से फिर हम लोग दोस्ती हो गई और फिर तेरे मेरे सपने का जो उसको उनको जब रोल मिला था वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन आई एम गेटिंग अ रोल, जया जी इज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने. आई सेड वाह वाह वेरी गुड अर्शद, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल. आई डिडंट नो यू कि आपको एक्टिंग करनी थी. सिंह लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना मिलिए ना. नहीं नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी. बमन ना अर्शद जब इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था, 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो उनके कब्जे में थे और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था वंस मोर. मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार. तो क्या मुझे लगता था कि जब नो जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना तो वो दुनिया को देखना चाहिए. क्यों एक छोटे से लोगों को मज़ा आए, नो पूरी दुनिया को मज़ा आए. तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे. और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया. मैं बोला नहीं मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है. फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद मुन्ना भाई MBBS. और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था. 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद. फैंटास्टिक. और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की और पहला ये मैंने इनके साथ किया. कमाल हो गया है ना. और इस बात पे रवीना जी गायब हो गए.